अब देखिए बगल में पवन चक्की है दोस्तों। पवन चक्की आप लोगों ने सिर्फ किताबों में ही सुना होगा ना। देखिए हम लोग अपना घूम रहे हैं और चलिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। तेंदुआ और क्या बोलते हैं भालू, तो हम लोग अपने आ जा रहे हैं खेत में। अपना खेत देखिए किसान जो है वो लेकर सब जा रहे हैं। इसके पीछे वाला पहाड़ी बहुत ही डेंजर है, इसमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ये इतना जंगल टाइप का है, इसमें जंगली जानवर हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम सिंगर सचिन लाल यादव, ये मेरा दोस्त का नाम बाहो भाई सुनील भाई। दोस्तों देखिए हम ये इतने खतरनाक जंगल में इसमें आए हैं ना, यहाँ पर तेंदुआ और भालू दो चीज़ मिलने का बहुत ही डर रहता है दोस्तों। और चलिए अब हम धीरे धीरे आपको लेके चलते हैं। आप लोग देखिए कितने बड़े बड़े और इधर दूर दूर तक आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कोई गांव नहीं है, कोई गिराव नहीं है, कोई आदमी आपको दूर दूर तक यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। दोस्तों हम लोकेशन आपको एक बार बताना चाहेंगे, हम इस समय कर्नाटका में हैं। कर्नाटका के बहुत ही खतरनाक पहाड़ी है, किष्किंधा नगरी जो सुग्रीव का गांव था उससे महज 20-25 किलोमीटर के ही हम लोग रेंज में हैं, जिसको अभी के समय में हम्पी बोला जाता है। दोस्तों देखिए हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और देखिए हम लोग अपना घूम रहे हैं और चलिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। जब दोस्तों ये इधर दोस्तों टाइल्स मार्बल भी यहीं से कट के जाता है, आपको दिखाता हूँ मैं टाइल्स मार्बल दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मक्का और ज्वार इस चीज का खेती बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए हम लोग देखिए अभी ये देखिए यहाँ पर ये मार्बल वगैरह टाइल्स वगैरह कट के यहीं से जाता है दोस्तों। और चलिए हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि खतरनाक रास्तों से भरा पड़ा है। देख लीजिए एक बार पीछे का लोकेशन क्या है, इस बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे क्या छिपा है, क्या नहीं छिपा है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। चलिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर बगल में दोस्तों बहुत ही जंगली एरिया है, गुफा उफा भी यहाँ पर बहुत देखने को मिलेगा। देखिए ये झाड़ के पीछे कोई भी जानवर हो सकता है। ये देखिए पहाड़, देखिए देखिए कितना खतरनाक पहाड़ है, इसको थोड़ा सा हम दूर से दिखाते हैं। देखिए इतना खतरनाक खतरनाक यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है। और दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको कर्नाटक का सैर कराते हैं। इसके पहले भी दोस्तों हम एक बार वीडियो बनाए थे यहाँ का, जो कि आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया से देखा था, और अभी हम फिर भी बना रहे हैं। आप लोग घर बैठे रहिए, हम पूरा आपको सैर कराएंगे। और देखिए पीछे का लोकेशन एक बार, चलिए आगे की ओर हम लोग और बढ़ते हैं, और भी कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों अभी आज भी बैल से ही खेती की जाती है, इसलिए की जाती है कि इन पहाड़ों पर जो है कि ट्रैक्टर वगैरह जो है कि आ नहीं पाता है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर हरियाली है दोस्तों। और चलिए हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बैल आ रहा है, बैल हम आपको दिखाएंगे। दो बैल हैं जो कि आ रहे हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों ट्रैक्टर का आना बहुत ही मुश्किल होता है, इसके लिए लोग बैल से ही यहाँ पर खेती करते हैं। यहाँ पर खेती जो है कि वही बाजरा और मक्का, यही दो चीज़ तीन चीज़ का फसल जो है कि होता रहता है। और हम धीरे धीरे दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो भी मालूम नहीं है, क्योंकि इधर जो दोस्तों हम लोग नए हैं, हमको पता भी नहीं है यहाँ का रूट क्या है। और देखिए ये दोस्तों यहाँ पर टाइल्स मार्बल जो है सब कटता है यहाँ पर, देखिए ये सब टाइल्स मार्बल वाले पहाड़ हैं अभी। और देखिए मेरे दोस्तों मेरे पीछे देखिए बैल आ रहे हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दो बैल आ रहे हैं। यहाँ पर इन्हों बैलों से ही खेती की जाती है। देखिए दोस्तों अभी हम आपको बैल दिखाते हैं, दो बैल हैं और ये आप लोग देखिए पीछे, देखिए
ये दोनों बैल जा रहे हैं खेत में, अपना खेत देखिए किसान जो है वो लेकर सब जा रहे हैं। इसी से दोस्तों यहाँ पर खेती करते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं आ पाता है। अब बगल में देखिए मेरे मक्के की खेती की गई है। देखिए कर्नाटक में दोस्तों धान गेहूँ गन्ना वगैरह ऐसा कुछ भी फसल होता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको मक्का ज्वार यही दो तीन फसल आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर कोई भी ऐसा फसल आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पानी का साधन नहीं है, जो बरसात वगैरह होता है वही यहाँ पर पानी आता है और उसके बाद कोई भी पानी यहाँ पर आता नहीं। तो मक्का जो है ज्वार जो है इन सबों में दोस्तों जो है कि पानी वगैरह बहुत कम लगता है और इसलिए यहाँ पर हो जाता है। और देखते हो कि यहाँ पर एक किस चीज़ का खेती है ठाकुर, एक किस चीज़ का खेती किया गया, तिल। दोस्तों तिल आप तो नाम सुने होंगे, तिलगुड़ हम लोग यहाँ बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं, इसका तेल भी आता है। चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, एक फसल और भी मिल गई है। देखिए दोस्तों ये तिल का खेती है, देखिए एक बार इसका फूल उल आप लोग देखिए कितना बढ़िया है। हाँ 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 बोदी नहीं, इसको हम मेरे यहाँ कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम नहीं हमको पता, लेकिन ये हम लोग गांव में भी यूपी बिहार में भी होता है। देखिए दोस्तों पहाड़ी देखिए पीछे वाला पहाड़ी बहुत ही डेंजर है, इसमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ये इतना जंगल टाइप का है, इसमें जंगली जानवर हो सकता है। अब देखिए पगल में पवन चक्की है दोस्तों, पवन चक्की आप लोगों ने सिर्फ किताबों में ही सुना होगा ना, आज आँख से देख लीजिए वही पवन चक्की है। इससे दोस्तों बिजली बनती है, बिजली बनाकर पूरे गाँव में इधर जो भी जहाँ पर बिजली की ज़रूरतें होती हैं वहाँ पर बिजली सप्लाई करते हैं। चलिए लेकर और भी चलते हैं आगे, कौन सा पहाड़ होगा, अरे उस पर नहीं जाएंगे, उस पर कुछ होगा तब, अरे होगा तो क्या होगा, अरे तो भाग नहीं पाएंगे ना, पहाड़ है, भाग नहीं पाएंगे यार, रिक्स नहीं लेना है अपने को, वहीं पर चलो जहाँ पर जाने लायक रहे, ऐसा ना रहे कि शेर और मिल जाए या यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है पहाड़ों में। और तेंदुआ और क्या बोलते हैं भालू तो हम लोग अपने आँख से ही देख लिए हैं, तो जब आँख से देखा वो चीज़ है तो इतना रिस्क नहीं लेने का। तो दोस्तों देखिए हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे और आप लोग भी साथ में लेके चल रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों मेरा अगर गाना वाना देखना हो तो इसी चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी नहीं मिलता है, ये देखिए दोस्तों एक कोई छोटा सा कटीला झाड़ है देख लीजिए। और चलिए और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी देखो फिर से हम पहाड़ी में आ गए हैं, या पीछे देख लीजिए सब बड़ा बड़ा ये पहाड़ है सब। सरसापुर चला छोड़ा यार, और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों आगे इधर देखिए यार दोस्तों ये खतरनाक है रूट, यहाँ पर दोस्तों हम लोग अनजान है, हम लोग का घर तो जैसा आप लोग जानते हैं मैं तो यूपी से हूँ, ये भाई साहब जो मेरे मित्र हैं ये झारखंड से हैं, इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है कि यहाँ पर कैसा क्या है। और यहाँ पर तो हम लोग पिछले दिन आए थे ना, अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हम लोग पिछला बार आए थे। फिलहाल में दोस्तों इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार बाय प्रणाम। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे इसी सॉन्ग इसी चैनल पे हम आपको गाना भी अपना देंगे, सब कुछ देंगे, सिर्फ आप लोग सपोर्ट बनाए रखें।